केवीएस 2022-23 में कितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने जो है फॉर्म को अप्लाई करा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी सारे वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कितने एस्पिरेंट्स ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया है या कितने फॉर्म अभी तक कुल भरे जा चुके हैं, बिकॉज़ आपकी लड़ाई सिर्फ एक सीट के लिए है और आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन बेटर रखिए, ठीक है। क्योंकि सीट 10,000 हों या 10 हों, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आपको वो आपकी एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। पहले सारे बेसिक्स को क्लियर करिए, सिलेबस को सामने रख करके उसे पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए कि क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। पहले सारे टॉपिक्स को कवर करके जाइए, उसके बाद से जो है एक प्रैक्टिस सेट लेकर के या प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी और आप जो है ये भी जान पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो थोड़ी सहूलियत आपको इस चीज़ में मिली है कि आप अगर कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं जानते हैं या नहीं कर पाते हैं तो भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के। तो ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए कि कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई करा है, बिकॉज़ आपकी लड़ाई जो है सिर्फ एक सीट के लिए है और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखेंगे तो आपकी वो सीट आपको ज़रूर से मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।